हर पार्टी के पास चुनाव लड़ने का समान अवसर होना लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में साधन और कैडर के मामले में बीजेपी सभी दलों पर भारी दिखती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर इसी अंतर को पाटने की कोशिश में लगे हैं। पिछले कुछ महीने में वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल विपक्षी एकता के लिए नीतीश के इन नेताओं से मिलने के कुछ खास मायने हैं। तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र की कुल 220 लोकसभा सीटों में अकेले बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। यहां विपक्ष का गठबंधन सफल हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन चुनावों में एनडीए को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के अलग होने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदले नजर आते हैं। इन्हीं आंकड़ों में विपक्षी एकता की जरूरत भी छिपी है और इसी में नीतीश कुमार को एक उम्मीद भी दिखती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्रोफेसर और राजनीतिक मामलों के जानकार पुष्पेंद्र कुमार का मानना है कि बिहार में यह समीकरण पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में है और इससे अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर उसकी बढ़त दिखती है। वहीं चुनाव विश्लेषक और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक, देश भर में विपक्षी एकता बन भी जाए, ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी 150 से 160 सीटों तक सिमट जाए। इस स्थिति में भी बीजेपी ही नंबर एक पर होगी, कांग्रेस नंबर दो पर रहकर भी करीब 80 सीटों पर ही होगी। आंकड़ों के लिहाज से विपक्ष के लिए बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखती है, लेकिन पुष्पेंद्र कुमार का मानना है कि विपक्ष को अभी के लिए यही चाहिए। पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं, बीजेपी को अगर देश भर में 50-60 सीटों का भी नुकसान हो गया तो उसके लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में उसके कई सहयोगी उसका साथ छोड़ सकते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में दक्षिण के राज्यों में किसी गठबंधन की जरूरत कम दिखती है। इनमें राज्यों की पार्टियां और कांग्रेस ही चुनावी मुकाबले में नजर आती हैं। विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस और अन्य दलों में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होना जरूरी है। इसके लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का साथ भी जरूरी दिखता है। यही हाल ममता बनर्जी का है, जो पश्चिम बंगाल के अलावा असम, उत्तर पूर्व के राज्यों और गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ममता बनर्जी को साथ लेना भी विपक्ष के लिए जरूरी है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दो ऐसे नेता हैं जो देश भर में करीब 100 सीटों पर कांग्रेस के वोट में सेंध लगा सकते हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक, अगर विपक्षी गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी भरपाई आसान नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में जहां बीजेपी मजबूत है, वहां पहले से ही ज्यादातर सीटों पर उसका कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतने में सफल रही थी और उसे 40% से भी ज्यादा वोट मिले थे। इन आंकड़ों के बीच अगर ममता बनर्जी विपक्षी एकता के साथ जोड़ती हैं, तो यहां बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 28% वोट मिले और 23 सीटें मिली थी, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना को 23.5% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी। यानी यहां भी उद्धव ठाकरे, NCP और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हैं, उसके लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी मुश्किल बन सकते हैं।